हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों। दोस्तों उड़ीसा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ पंचलिंग सर ये टूरिस्ट लोगों के लिए फेवरेट टूरिस्ट प्लेस है। इसका एक मेन रीजन है कि ये पहाड़ों के बीच में महादेव जैसे कैलाश पर्वत में बैठते हैं और ये प्लेस है जहाँ पर अनलिमिटेड पानी निकलते हैं जिसको गंगा माता भी कहा जाता है। देख ये मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, ये कभी भी नहीं सूखती है। ये देखिए पूरा अनलिमिटेड पानी चलती है, यहाँ पर पानी कभी नहीं सूखती है। और यहाँ पर से जाता है पानी, यहाँ पर से पानी जाता है गंगा माता का पानी और जाके पंचलिंगेश्वर के जो महादेव है उनके शिवलिंग के तरफ से क्रॉस होके जाता है। जैसे महादेव के जैसे कैलाश पर्वत में भगवान की जटाओं से निकलती है गंगा माता, वैसे ही यहाँ पर सेम सिमिलरिटीज है। यहाँ पर भी गंगा माता जाती है। पूरा पंचलिंगेश्वर पाँच लिंग है इसलिए उसको पंचलिंगेश्वर कहा जाता है। पूरा पंचलिंगेश्वर की वो शिवलिंग को क्रॉस करके जाता है ये पानी, पूरा काफ़ी पवित्र पानी है। पंचलिंगेश्वर महादेव पंचलिंगेश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर जो गंगा माता का पानी गया है वो पांच शिवलिंग है, इसलिए उसको पंचलिंगेश्वर कहा जाता है। और ये जगह इतना खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों जंगल एरिया में है और ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। ये एक बेस्ट पिकनिक स्पॉट भी है जहाँ पर लोग आते हैं और आके बहुत एंजॉय करते हैं, पिकनिक पार्टी करते हैं और नहा के यहाँ शिव जी के दर्शन करते हैं और बहुत काफ़ी पुण्य कमाते हैं। हम अभी पहाड़ों से 2 किलोमीटर ऊपर हैं, हम अभी शिव मंदिर में जाएंगे थोड़ी देर में नहा के, यहाँ पर झरना में नहा के। और ये जो माता है बड़म्बा माता है, बड़म्बा ठाकुरानी, और यह है आहुति कुंड। यहाँ पर से पानी गया है शिवलिंग के क्रॉस करके जाता है। पंचलिंगेश्वर जो प्लेस है उसका लोकेशन है उड़ीसा की बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। आपने सुना होगा उड़ीसा का तीसरा श्री क्षेत्र जगन्नाथ धाम पुरी जो नीलगिरी में है, वहाँ से ये 7 किलोमीटर डिस्टेंस है। और अगर NH से तो कैलकुलेट करेंगे तो 15 किलोमीटर डिस्टेंस है ये NH से। बारिश का मौसम है, ऊपर आने के लिए अभी हैंडरेल बना दिया गया है सीमेंट में, जैसे लग रहा है कि लकड़ी से बनाया गया है। पूरा अच्छे अच्छे से डिजाइन किया गया है, पहले वो सब चीज़ नहीं होता था, अभी उसको पूरा अच्छे से उसको डिजाइन कर दिया गया है। और ये जगह ना पूरा जंगल से भरा हुआ है इसलिए वह काफ़ी खूबसूरत है। काफ़ी दुनिया में जितने सारे भी प्रभु शिव की लिंग है सारे चीज़ें आपको दिखाई देता है, लेकिन यहाँ दुनिया का सिर्फ एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर गंगा माता से पानी से वो पूरा शिवलिंग पांचों तरफ दिखाई नहीं देता है, वो पानी के अंदर में रहता है, बस आप छू के उसको महसूस कर सकते हैं। ये सारा इसलिए ये अनोखा है, सारे चीज़ों से ये डिफरेंट है। इस बाकी सारे जगह आप शिवलिंग की देख सकते हैं जहाँ के उनके ऊपर घी डाला जाता है, पाउंस डाला जाता है, लेकिन ये जगह है जहाँ पर आप शिवलिंग के छू के महसूस कर सकते हैं। पहले इतना डेवलप नहीं था, 4-5 सालों से उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग लेके यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डेवलप किया गया है, हैंडरेल डेवलप किया गया है, बहुत सारे दुकान बाजार है जहाँ पर आप यह कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जगह है और बहुत प्लेस है, आप आइए आनंद लीजिए इस जगह का। आप अगर पहाड़ी है तो मुझे कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं। पहाड़ के ऊपर में ये बड़म्बा ठाकुरानी के मंदिर है, यहाँ पर एक तुलसी का चौरा है। काफ़ी पुराना मंदिर है ये मंदिर के अंदर में है, दोनों तरफ में 2 हाथी है, माता की हाथी है, दोनों तरफ में 2 हाथी है और माता वहाँ पर पूजा पा रही है। ये देखिए जो भी पंचलिंगेश्वर मंदिर घूमने आता है वो बड़म्बा ठाकुरानी की दर्शन जरूर करती है, तो हम भी अभी बड़म्बा ठाकुरानी का दर्शन कर लिए। हम अभी पूरा जंगल के बीचों बीच में है, ये जगह रातों में कोई नहीं आता है क्योंकि ये पहाड़ों से 2 किलोमीटर दूर है, क्योंकि यहाँ पर शाम होते ही भालू और हाथी आ जाते हैं इसलिए कोई आता नहीं है इस तरफ ऊपर में। और नीचे में है पंचलिंगेश्वर मंदिर, मेन मंदिर। अभी हम जाएंगे वहाँ पे झरना में नहा के, अभी हम जाएंगे मंदिर। नीलगिरी पहाड़ों में है, पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा और बारिश का मौसम, सारे पूरा मौसम पूरा ऐसे लग रहा है कि जैसे दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। गाइस ये है पंचलिंगेश्वर का वाटरफॉल, से महादेव को स्पर्श करके आ रही है ये पानी, पवित्र पानी पूरा बारिश के मौसम में, इसलिए वाटरफॉल की जो पानी का अमाउंट थोड़ा बढ़ गया है। देख सकते हैं मेरे पीछे वाटरफॉल,
हमने सुबह यहाँ पर नहाने का प्लानिंग बनाया था और फाइनली हम आके पहुँच चुके हैं वाटरफॉल में और हमारा प्रिपेरेशन हो गया है पूरा बैग के साथ हम आके पहुँच चुके हैं और यहाँ पर नहाने के बाद हम जाएंगे दर्शन करने महादेव जी का। अब हम शिव की झरना में हर घड़ी नहाएंगे। बस बस परफेक्ट। हमने नहा लिया पूरा आधा घंटा अभी नहा लिया है। बारिश का पानी में पूरा ये सब मजा कहीं नहीं मिलेगा, ये जैसे मजा यहाँ पर है। मामा राजू मैं सारे पूरा आधा घंटा नहाया, बहुत सारे रील हो गया, बहुत सारे फोटोग्राफी हो गया, बहुत कुछ हो गया और बारिश हो रहा है इसलिए वाटरफॉल में पानी थोड़ा ज़्यादा है और ये पानी जो आ रहा है ये डायरेक्ट भगवान शिवलिंग को क्रॉस करके आ रहा है। जो पानी था गंगा पानी था वो वहाँ से आ रहा है, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है, उसी पानी में हमने नहाया और नहाने के बाद अभी हम निकल जाएंगे महादेव जी के पास। दोस्तों अभी नहा धोने के बाद फाइनली हम जा रहे हैं कि महादेव का दर्शन करने, जहां पर महादेव एक झरना के अंदर पांच लिंग है उनका, इसलिए उनको पंचलिंगेश्वर कहा जाता है। लेकिन ये जो रास्ता है ना पूरा पहाड़ों के ऊपर है, इसलिए ये रास्ता सब वर्टिकली रास्ता है, ये सब पूरा वर्टिकल रास्ता है। और यहाँ पर भी देखिए पूरा ऊपर तो पूरा वर्टिकल रास्ता है, तो वर्टिकल रास्ता में थोड़ा चढ़ने में दिक्कत होती है। अगर आपकी भक्ति इतना स्ट्रांग है तो आप पहुंच सकते हैं महादेव पास और दर्शन कर सकते हैं। महादेव मंदिर वहां पर है पर उसके पहले यहां पर है शू स्टैंड। आप शू रखिए, शू ये पर पर्सन 4 रुपीज़ है, जितने सारे लोग रहेंगे उतना पैसा देना पड़ेगा। पहुँच गया है हमारा महादेव पास। मेन महादेव के मंदिर के साइड में यहाँ पर अच्छे अच्छे सीनरी बनाया गया है, जैसे माँ लक्ष्मी, माता पार्वती और शिव शंभु, सारे चीज़ का यहाँ पर बनाया गया है। तो ये मैं थोड़ा बता देता हूँ, वहाँ पर है महादेव का मंदिर, वहाँ पर है जाने के लिए रास्ता, यहाँ पर है भोग मोग ले सकते हैं, ये है कुंडी दाना आप जहाँ पर दान कर सकते हैं, उस तरह से हमने आया। दीप जलाने के लिए ये है दीप का कुंड है, पंचलिंगेश्वर बोर्ड है, यहाँ पर शिवलिंग है, दर्शन कीजिए महाशिवलिंग का, महाशिवदेव का, बहुत सारे शिवलिंग है, देवताओं की मूर्ति है और वहाँ पर है। अभी शाम बजने वाला है इसलिए सब पांडा लोग चले गए हैं, नहीं तो यहाँ पर हर दिन सुबह पूजा होती है और पांडा लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। यहाँ बैठे हैं नंदी और ये है हनुमान जी। दोस्तों ये है नंदी, नंदी के बाद वहाँ पर है महादेव, महादेव के दर्शन करते हैं। नहा सुबह आने के बाद यहाँ पर देखिए नाना है पूजा कर रहे हैं। ये देखिए नंदी जी का फोटो, नाग देवता के यहाँ पर है, तंबा में मूर्ति है, पंचलिंगेश्वर
पांचों लिंगों को दिखाया गया है। पंचलिंगेश्वर क्या है, पांच लिंग है वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए उनके बेटा गणेश जी का यहाँ पर आर्ट किया गया है। उत्तर पर सुड़ंग था जो राजा महाराजा के टाइम में बनाया गया था, जो 25 किलोमीटर डिस्टेंस है। इस बहुत पुराना सुड़ंग है, इसलिए कोई नहीं जा रहा था और जो भी जाता है वो लौटता नहीं है। और अभी इसको बंद कर दिया गया है। वहाँ पर महादेव जी की पूजा हो रहा है। ये यहाँ पर भी नौना लोग बैठते हैं जो जहाँ पर, यहाँ पर भी वहाँ महादेव की मूर्ति है। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से बहुत सारे जो आते हैं यहाँ पर। ये जो पानी आ रहा है ये अनलिमिटेड है, ये कभी सूखती नहीं है, ये हमेशा चलती रहती है वहाँ पानी। और वहाँ पर है पांच लिंग जहाँ को आप छू सकते हैं, देख नहीं सकते, वहाँ पर है। और बाकी ऊपर से यहाँ पर पूजा करते हैं, नौना यहाँ पर बैठ के पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों वहाँ पर महादेव जी थे जहाँ पर पांच लिंग है, और महादेव जी का मंदिर के साइड में यहाँ पर है भगवान हनुमान की यहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर दिया जलाया गया है। मंदिर में अभी बंद है और यहाँ पर दिया जलाया गया है। वहाँ पर मूर्ति भी है, देख सकते हैं आप। और वहाँ पर उनको पूजा किया गया है और दिया जलाया गया है। और उनके साइड में ये जो झरना है जो कि अनलिमिटेड पानी हमेशा चलती है, ये पानी कभी बंद नहीं होती है, जो महादेव को हर घड़ी नहा लाता है। ये है झरना, ये देखिए पवित्र झरना। पूरा वर्टिकल हो जाए, पूरा वर्टिकल है। पांच के इस्तेमाल कीजिए, हैंड रेल का पकड़ के जरूर जाइए, नहीं तो आप खुद ये अगर इतना बोलने के बाद अगर नहीं करेंगे तो फिर पैर फिसलेगा, तो हाथ पैर टूट जाएगा।